हेलो फ्रेंड्स, आज 7 डिजिट नंबर है जो कि या फॉर्म फ्रॉम 0 to 9 नंबर हमें दे रखे हैं बच्चों। फ्रॉम 0 to 9 नंबर फॉर्म करना है बच्चों। द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 4। फर्स्ट केस है जब रेपिटेशन अलाउड है, सेकंड केस है रेपिटेशन इन नॉट अलाउड है। अब इस क्वेश्चन के बारे में आपने सोचना है, स्टॉप कीजिए वीडियो को और सोचो इनको इस क्वेश्चन को कैसे करना है। दीज क्वेश्चन मेक यूर कॉन्सेप्ट और आपके जो कॉन्सेप्ट हम बहुत अच्छे कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन को बच्चों क्या लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होना चाहिए, कैसे सोचना है ये बात करते हैं बच्चों। बच्चों 7 डिजिट का नंबर है। 7 डिजिट का नंबर आप समझते हैं कि जिसमें 7 डिजिट होते हैं ये बना देते हैं बच्चों। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 डिजिट है बच्चों। ठीक है, तो जो नंबर है बच्चों वो किससे डिविजिबल होना चाहिए? 4 से डिविजिबल होना चाहिए। कोई भी नंबर 4, 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये जो मेन यूनिट प्लेस है, दिस प्ले अ मेन रोल, तो ये डिविजिबल बाय 2 है, तो ये आपका इवन होगा तभी होगा। और यदि ओड है यहाँ पर भी ये होगा, लेकिन यहाँ पर जो कह रहा है डिविजिबल बाय 4, तो 4 के लिए आपको मालूम है डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। लास्ट के 2 डिजिट यूनिट प्लेस और टेन प्लेस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यदि वो नंबर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो इसका मतलब वो नंबर क्या होगा, डिजिबल बाई 4 होगा। बाकी ये 5 डिजिट जो हैं वो मैटर नहीं करते। और ये आपको पता चल चुका है कि ये नंबर फॉर्मेशन है, इट इज नॉट अ सिलेक्शन, इट इज अ अरेंजमेंट। ठीक है, तो अब सोचो बच्चों कैसे किया जा सकता है। अब 0 से लेकर 9 तक हमारे पास नंबर हैं, फ्रॉम 0 to 9, 0, 1, 2, 9। या तो बच्चों केसेस बनाए जाएँ कि यहाँ पर लास्ट के 2 डिजिट के लिए और उसको किया जाए सॉल्व। यहाँ का कैसे सोचे बच्चा? अब बच्चों जैसे नंबर सपोज आपको दे रखा है 4, 3, 2, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 और जी आपका 84 है। तो ये लास्ट के 2 डिजिट आपको मालूम है किससे डिजिट बच्चों 4 से है, तो ये नंबर आप सीधा कह सकते हो कि ये नंबर जो है डिजिट बाई क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पहला नंबर है ये आपका 0 नहीं होना चाहिए, ये भी साथ में आपको नजर आ रहा है। तो आप कैसे सोचे बच्चों ये नंबर जो है आपका कैसे लिखा जा सकता है, 4, 3, 2, 5, 7, 0, 0, 8, 4, मतलब 0 प्लेस और 10 प्लेस इसका मेन रोल जो है वो प्ले करेंगे। तो अब यदि हम केसेस बनाने लगेंगे तो टाइम लगेगा, सब कुछ लगेगा। तो एक छोटा सा दिमाग बच्चों हम यूज करते हैं कि आपको बच्चों मालूम है 0 से लेकर 100 तक टोटल 100 नंबर होते हैं। इवन कितने होते हैं, 50 होते हैं। ओड भी कितने होते हैं, 50 होते हैं। और जो 4 से डिजिट वाले नंबर होते हैं वो कितने होते हैं बच्चों, 25। कितने होते हैं, 25। तो ये जो प्लेस है बच्चों कितने वे से भरा जा सकता है, 25 वे से बाद है बच्चों समझ। और बाकी यहाँ पर भी भरे जा सकते हैं, लेकिन मन में यहाँ पर दिक्कत ये आ रही है कि यहाँ पर 25 केस तो बस ही है, उसके अंदर नंबर जो है पहला केस हम ले रहे हैं रेपिटेशन अलाउड है, दूसरा केस है रेपिटेशन नॉट अलाउड है। तो रेपिटेशन अलाउड में तो चल जाएगा ये, और रेपिटेशन नॉट अलाउड के अंदर हमें दिक्कत आएगी। तो पहले रेपिटेशन अलाउड वाला केस कर लेते हैं। तो ये 2 नंबर हमारे भरे गए, तो ये कितने वे से भरे जा सकते हैं बच्चों, 25 वे से। हाँ जी, ये जो गिवन ऑफ प्लेस है वो कितने वे से भरा जा सकता है, 9 वे से। क्यों 9 वे से भरा जा सकता बेटा, क्योंकि यहाँ पर बेटा रेस्ट्रिक्शन है। क्या रेस्ट्रिक्शन? रेस्ट्रिक्शन के यहाँ पर 0 नहीं आ सकता। यदि बाई चांस 0 आ गया तो क्या होगा बच्चों, गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ कैसे हो जाएगी बच्चों बताओ, तो 6 डिजिट बन जाएगा। और रेपिटेशन अलाउड है तो ये वाला नंबर कितने वे से भरा जा सकता है, 10। ये वाला नंबर भी कितने वे से भरा जा सकता बच्चों, 10। और ये वाला नंबर भी कितने वे से भरा जा सकता, 10। ये वाला भी बच्चों 10 × 25। तो ये क्वेश्चन का आंसर आ गया 9 × 10⁴ × 20। इज इट क्लियर हो ना? वेरी मच क्लियर। ठीक है, अब बच्चों सेकंड केस लेते हैं। ये तो था बच्चों रेपिटेशन अलाउड वाला। ठीक है, इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ठीक है, अब जब रेपिटेशन नॉट अलाउड होगा तब देखते हैं क्या दिक्कत आ सकती है, तब इसको कैसे किया जा सकता है। तो अब सोचते हैं अब थिंकिंग क्या होगी, बट इज अवर थिंकिंग। तो बच्चों रेपिटेशन नॉट अलाउड, आरएनए का मतलब मालूम है, रेपिटेशन नॉट अलाउड।
अब समस्या क्या आएगी बच्चों, रेपिटेशन नोट अलाउड, यहाँ पर जो नंबर है बेटा आपको ये मालूम है, एक तो 00 होगा, 44 होगा, 88 भी होगा, 22 नहीं होता, आपको मालूम है 20 होगा, क्योंकि तो यहाँ पर मैंने आपको कई बार बताया कि 0 यहाँ पे यूज हो गया, तो यहाँ पर नोट रेपिटेशन के अंदर 0 यहाँ पे यूज नहीं करना, तो वहाँ पर जिक्र आएगा। तो इसका मतलब ऐसे केसेस के अंदर हमें क्या बनाने पड़ेंगे बच्चों, केस बनाने पड़ेंगे, क्या बनाने पड़ेंगे, केस। जी जी बेटा, दोनों की अगर रेपिटेशन होगी ना, दोनों 0 रिपीट हो गए, यदि लास्ट अगर 2 0 आ जाते हैं, हाँ जी ये 20 वाले में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बच्चों इसके अंदर हमें क्या बनाने पड़ेंगे, केस बना रखेंगे। तो सबसे पहले तो आप 100 जो 25 नंबर हमने जो चूज किए थे, जो कि इससे 4 इंडिविजुअल थे, उनमें से ये 3 नंबर तो चले गए, तो अब कितने रह गए बच्चों हमारे पास, 22 नंबर्स रह गए। कितने नंबर्स रह गए बच्चों, 22 नंबर्स, ठीक है। अब चेक कर लो, 66 हो गया, 88 हो गया, और ये 3 नंबर चले गए, तो अब कितने रह गए, 22, ठीक है। अब पहला केस 1 लेना होगा, केस 1, व्हेन 0 इज यूज्ड एट यूनिट्स और डेसिमल्स, ठीक है। अब यहां पर हमें देखना पड़ेगा, हाँ जी, शीन एक तो 20 नंबर होगा, ठीक है, और क्या क्या होगा, ये होगा उल्टा 20 होगा, 40 होगा, 60 भी होगा, 80 भी होगा, और कौन सा बेटा कैसे होगा, 20 और 40, 60, 80, यहाँ 00 यूज होता है, और भी होता है बेटा, ठीक है। तो ये कितने नंबर हो गए बेटा, 4, कितने नंबर हो गए, 4। तो ये जो 2 प्लेस हैं बच्चों, ये कितने वे से भरे जा सकते हैं, 4 वे से, ठीक है। अब यहाँ पर हमें दिक्कत नहीं है, अब ये कितने वे से भरा जा सकता है, शीन 0 यूज हो चुका है, 2 नंबर यूज हो चुके हैं, तो अब कितने नंबर रह गए, 8, तो ये कितने वे से यूज होगा, 8 वे से। अब कितने नंबर यूज हो सकते हैं बेटा, 3 नंबर, तो ये नंबर कितने बजे यूज हो सकता है बच्चों, 7। नेक्स्ट वाला कितने बजे यूज हो सकता है, 6, और ये वाला कितने बजे यूज हो सकता है, 5, और ये कितने बजे, 4। ये तो केस 1 हो गया बच्चों, क्लियर है। केस 2 भी हमें लेना पड़ेगा, केस 2, व्हेन 0 इज नॉट यूज्ड इन लास्ट 2 डिजिट। अभी मैं केस निकाल रहा हूं बच्चों, 22, 22 में से 4 चले गए, तो कितने रह गए बच्चों, 18, कितने रह गए, 18, ठीक है। और वो चेक कर लो 18 कौन कौन से हैं बच्चों, स्टार्ट करो, देखते हैं बच्चों। इसके अंदर एक गलती कर गए हम, 04 भी तो हो सकता है या नहीं हो सकता, और क्या हो सकता है, 08 भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, 04, 08 और कौन हो सकता है, तो ये आ गए 2, 3, 4, 5, 6 आ गए, कितने आ गए, 6। अब 22 में से 6 चले गए बेटा, कितने रह गए, 16, कितने रह गए, 16। तो यहाँ पर कितने यूज हो सकते हैं बच्चों, 16, उनको मैं लिख के दिखा देता हूँ, वो कौन कौन से होंगे, 12 आपका, आपका 16 हो गया, तो इस तरह के सारे नंबर्स हो गए, ठीक है। और ये कितने में से यूज हो सकता है, ये वाला प्लेस सबसे मोस्ट राइट की तरफ, कितने में से यूज हो सकता है, 8, वेरी गुड। नेक्स्ट वही आएगा 7, 6, 5, 4, 2, 16, और इन दोनों केसेस को हम क्या कर देंगे बच्चों, ऐड कर देंगे, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, निश्चित रूप से हैं, तो ये हमारे पास क्या आएगा, दिस, ठीक है। तो 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 6 प्लस 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 16, तो ये आप कॉमन ले सकते हो, 8 × 7 × 6 × 5 × 4, तो ये 6 + 16 रह गया, तो ये आपका क्या आंसर, ठीक है। फिर गलती कर दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर आपने 16 नंबर यूज कर लिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कितने में से आएगा बच्चों, 7 में से आएगा, क्योंकि 0 तो आ ही नहीं सकता यहाँ पर, और 0 हमने क्या नहीं किया है यहाँ पर, यूज यही समझ आ रही बात कुछ नहीं, ठीक है, गलती कर देते आपको, तो ये आपका आंसर आएगा।
ठीक है। फिर दोबारा इस क्वेश्चन को एक बार समझा देता हूँ मैं। एक 7 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, 0 से 9 तक नंबर यूज करने हैं, और वो नंबर जो है किससे डिजिट होना चाहिए, 4 से होना चाहिए। तो जो लास्ट के 2 डिजिट हैं यदि हम उनको काउंट करने लगेंगे तो 25 टाइम्स हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो बेटर ये होता है 1 से लेके 100 तक नंबर हमें मालूम है कितने नंबर एलिजिबल होते हैं, 25 होते हैं। तो 25 नंबर जो हैं वो हमें मालूम है कौन कौन से हैं, ठीक है। और इसके अंदर दिक्कत हमारा ये आएगी विदाउट रेपिटेशन के अंदर, क्योंकि यदि 0 यहाँ पर बाई चांस यूज हो गया तो यहाँ पर हम फ्री हैं, कि यहाँ पर तो 0 आएगा ही नहीं, तो नंबर कितने आएंगे, 8। और जो सेकंड वाला केस ये है वो हमने 25 में से पहले ये नंबर्स हमने 2, 3, 4, 5, 6 सब्ट्रैक्ट कर लिए थे, और कितने रह गए बच्चों, 16 रह गए हैं। और जो 0 यहाँ पर ऑलरेडी यूज हो चुका था लेकिन सेकंड केस में 0 यूज नहीं हुआ था, इसलिए मोस्ट राइट वाला प्लेस जो है कितने में से यूज किया जा सकता है बच्चों, 7 में से। 7 × 7 × 6 × 5 × 4 × 16, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा क्या नंबर, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।